खबरों पे आगे बढ़ेंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़िया अब बच्चों के साथ में बड़ों पर भी हमला कर रहा है और भेड़िए ने इस बार 50 साल की बुजुर्ग महिला पर वार किया है। जब भेड़िए ने गर्दन पर अटैक किया तब महिला की नींद खुली। इसके बाद में महिला ने पूरी ताकत से भेड़िए को धक्का दिया। भवानीपुर के कोरियनपुरवा की ये घटना है। भवानीपुर में दूसरी बार भेड़िए का अटैक हुआ है। क्या साथे आओ तो ना पीछे जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया न किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे। पहन का आया, गला पकड़ लिया और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुझ से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हो इनको छोड़ के वो भाग गया गन्ना के खेत में घुस गया। बहराइच में वन विभाग का ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं लेकिन भेड़ियों का मुखिया लंगड़ा सरदार लगातार बदला ले रहा है, लगातार अटैक कर रहा है और अब बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी हमला कर रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त कोरियन का पुरवा में मौजूद है और यहां का दृश्य पहले आप देखिए। ये सामने खेत है, घना जंगल है और इसी इलाके में रीता देवी रहती थी, पुष्पा देवी रहती थी और उन पर भेड़िए ने अटैक किया। 50 वर्ष की आयु है और ये सामने का घर है, जरा सामने का घर भी दिखाइए, यहीं पर इनकी रिहाइश है और भेड़िए ने इसी क्षेत्र में इन पर हमला किया और तगड़ा अटैक किया। गर्दन पर गहरे जख्म के निशान हैं और ये सारे ग्रामीण इस घटना के बाद दहशत में हैं, परेशान हैं कि अब भेड़िए ने बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। आप लोग क्या कहेंगे, अब तो 50 वर्ष की आयु की महिला पर इसने झपट्टा मारा है और वन विभाग वाले हरिभक्ष का पुरवा में कैंप किए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अब बड़ों की जिंदगी भी खतरे में है, अभी तक तो बच्चों को निवाला बना रहा था, ये 9 बच्चे को मौत के घाट उतार चुका है, एक महिला थी, आप 50 वर्ष की महिला पर भी हमला किया है? नहीं, बड़ों पर भी हमला कर रहे हैं। कल हम टेम्पू लेकर आ रहे हैं, टेम्पू को घेरने की कोशिश किया भेड़ियों ने, 5 भेड़िए थे वहाँ पे। अच्छा, एक मोटरसाइकिल वाला था, जो हम जब रायपुर से आगे आते हैं तो भेड़िए रोड पर होते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल वाला चिल्लाता कि हमको ले ही चलो साथ में, टेम्पू लहरा कर उनको हम रोड से हटाते हैं, उसी रात में आके यहाँ घटना हो जाती है। रात में बड़े लोग कि आप टेम्पो से आ रहे थे और टेम्पो के सामने ही भेड़िया आ गया था? भेड़िया 3 भेड़िए थे वहाँ पे, 2 नीचे थे। अच्छा, 5 थे। अच्छा, बदवापुर के पास। अब दादा, जबकि बड़ों पर भी हमला शुरू हो गया है तो बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अभी तक तो उसके अटैक में, उसके निशाने में बच्चे हो रहे थे, 9 बच्चे मृत पाए गए, उनके शव मिले हैं। अब जबकि बड़ों पर हमला हो गया तो कितनी दहशत में हैं और वन विभाग से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? इस मुखिया को, इस लंगड़े सरदार को जल्दी पकड़ा जाए, जल्दी पकड़ा जाए, जल्दी पकड़ा जाए, मार देगा वो।